अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजीली बन जाता है ये। चलिए इसे बनाते हैं। सॉस पैन में मैंने 1 लीटर मिल्क ऐड किया है। इसे हम एक बॉईल आने देंगे। 1 कप मैंने कोल्ड मिल्क लिया है। 1/4 कप वैनिला कस्टर्ड पाउडर ले ले, 1/2 कप शुगर ली है मैंने, थोड़ा सा वैनिला एसेंस लेंगे। कस्टर्ड पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके हम दूध में मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है हमें, एक साथ हमें ऐड नहीं करना है। इसमें लम्स फॉर्म नहीं होने चाहिए। कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर आप ऐड कर सकते हो। इसमें हम शुगर ऐड कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से स्टर करते रहें। हम हमारा कस्टर्ड और दूध का मिक्सचर जो है वो इसमें ऐड कर लेंगे। कंटिन्यूसली स्टर करते रहें। देखिए हमारा मिल्क अच्छी तरीके से थिक हो गया है। इसे हम थोड़ा और कुक करेंगे। देखिए इसी कंसिस्टेंसी का हमें मिल्क चाहिए। इसमें हम वैनिला एसेंस ऐड कर लेंगे। अराउंड 1/4 टीस्पून मैंने इसमें वैनिला एसेंस ऐड किया है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर ले। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे हम। इसे रेफ्रिजरेट कर ले अराउंड 3 से 4 घंटे के लिए। देखिए कस्टर्ड अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। ये मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं। वाटरमेलन लिया है, चीकू लिया है, बनाना लिया है, एप्पल लिया है और थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप अपनी चॉइस से कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो। हमारे फ्रूट्स हम ऐड कर लेंगे इसमें। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ये मैंने कुछ डेट्स लिए हैं, इसे भी हम ऐड कर लेंगे। मैंने इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसे बिल्कुल चील सर्व करना है हमें। इसे मैं सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसे हम गार्निश करेंगे। थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें इस पर। इस पर हम थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप पोर कर लेंगे। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे बिल्कुल ठंडा सर्व करें। आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।